तो हेलो दोस्तों, तो दोस्तों फाइनली एसएससी जीडी का आंसर के आ चुका है और आप लोगों में से कई ने तो चेक भी कर लिया होगा और आप सोच रहे होंगे कि आखिर उसका कट ऑफ क्या जा सकता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू तो करते दोस्तों हैं। वीडियो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपना स्कोर बता देता हूँ कि आखिर मेरा स्कोर क्या रहा है, मेरा कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने रोल नंबर आ रहे हैं, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम 17 जनवरी को था पिछले मंथ में। तो चलिए मैं अपना स्कोर बता देता हूँ कि मेरा कितना नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों मेरा टोटल सही हुआ था 108 नंबर, मतलब सही आ रहे हैं, मतलब 54 क्वेश्चन मेरा सही हुआ था जिसमें 108 नंबर आए, और 10 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया जिसमें 5 नंबर माइनस हो गए दोस्तों। तो कट छट के मेरा रो नंबर आया 104 नंबर आया है। अब देखते हैं कि इसमें कट ऑफ बनेगा कि नहीं बनेगा। हालांकि तो कट ऑफ बन जाना चाहिए, लेकिन इसमें मेरिट में हो सके तो इतने नंबर में नहीं होगा, मेरिट में मैं बाहर हो सकता हूँ, लेकिन फिजिकल के लिए तो मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ, चांस है। और दोस्तों मेरा सबसे ज़्यादा गलत हुआ है हिंदी में, जो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि हिंदी में इतना क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, क्योंकि हिंदी तो इजी आया था, लेकिन पता नहीं फिर भी गलत हो गए दोस्तों। 20 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन गलत हो गए, हिंदी में 15 सही हुआ है और मैथ में 10 सही हुआ है और 1 गलत हुआ, क्योंकि मैंने मैथ में ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किया था, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था, वरना मैथ में भी 17-18 क्वेश्चन बन जाता। और जीके की बात करें तो 12 सही हुआ है और जीके में 1 ही गलत था, जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये गलत होगा। मैं जीके में सोचता था कि 4-5 गलत हो सकते हैं, लेकिन जीके में ज़्यादा गलत नहीं हुआ। और बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 17 सही हुआ है और 3 गलत हुआ है, जिसमें टोटल 54 सही और 10 गलत हुआ, जिसमें मेरा रो मार्क्स 104 नंबर आ रहे हैं, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यही मेरा नंबर है 104। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, मैं फिजिकल में जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, देखते हैं, लेकिन हो सके तो फिजिकल में तो मैं जा सकता हूँ। बाकी मैं अपने निर्धारित से कट ऑफ बनाया हूँ। अगर आपका इतना क्वेश्चन अगर सही किए हैं और इतना नंबर आ रहा है, तो हो सके तो आपका फिजिकल क्लियर हो जाए। तो दोस्तों जिसमें जनरल का अगर आपने 55 क्वेश्चन अगर आपने सही बनाया है, मतलब 55 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 55 तो नहीं 110 नंबर अगर आ रहे हैं रो मार्क्स, तो आपका हो जाएगा दोस्तों। और ओबीसी में 52 नंबर अगर आपका आ रहा है, 52 ने 104 नंबर अगर आ रहे हैं, तो आपका फिजिकल में आप चले जाओगे। और एससी में 50, एसटी में 45 अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं, तो आप फिजिकल में पहुंच जाओगे दोस्तों। और आगे देखते हैं कि नॉमराज में कितना नंबर इंक्रीज होगा। तो दोस्तों यही यही था जो गलत हुआ है, बहुत कम नंबर आए हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि मेरी जो हाइट है ना, वो 170 सेंटीमीटर नहीं है, जिसकी वजह से मैं पिछले दोनों वैकेंसी में, 2019 के वैकेंसी और 2021 के वैकेंसी, दोनों वैकेंसी में मैं हाइट में छट चुका हूँ दोस्तों। मेरा एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाता है, लेकिन हाइट में छट जाता हूँ, जिसकी वजह से डिमोटिवेट हो जाता हूँ, भरने का फॉर्म नहीं कर मन करता है, लेकिन बस एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भर देते हैं। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन देखते हैं कि अगर फिजिकल में जा पाएंगे तो फिर देखेंगे क्या होता है। हालांकि फिजिकल मेरा होगा नहीं, क्योंकि हाइट कम है, जिसकी वजह से मन नहीं करता है, फिर भी देखेंगे क्या होता है आगे। तो बस, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेगी इस चैनल पर। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और बाय। और दोस्तों रुको रुको, और आपका कितना नंबर आ रहा है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे देखना है कि कितना नंबर आ रहे हैं, तो ज़रूर बताइए कमेंट में, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और बाय।